प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार भारती ऑनलाइन कालांश में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज बीए पार्ट फर्स्ट के हमारे नरपति नालिया द्वारा लिखित बिशन देव रासो की चर्चा करेंगे। बिशन देव रासो का काव्य सौंदर्य किस तरह से प्रभावित करता है रासो काव्य परंपरा में, कि दोनों ही श्रेणी का काव्य है, इसमें वीरता का भी वर्णन हुआ है। अजमेर के शासक जिसे विग्रहराज चतुर्थ के नाम से भी जाना जाता है, जिसे बिशन देव के नाम से भी जाना जाता है, तो कवि नरपति नालय ने अपने आश्रय दाता बिशन देव की यश, उसकी युद्ध प्रियता और तथा राजमती के योग वर्णन को अपने काव्य बिशन देव रासो काव्य में लिखा है। इस तरह से यह हमारा बीए पार्ट फर्स्ट का ये चल रहा है और इस तरह से रासो काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डाली। आज का हमारा जो क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में हमारा तीसरा क्वेश्चन है रासो काव्य। सबसे पहले हमने जो पढ़ा था कि रासो काव्य परंपरा में बिशन देव रासो का स्थान निर्धारित कीजिए, और एक आया था रासो का संक्षिप्त परिचय देते हुए उसकी कथानक को अपने शब्दों में लिखिए। ये दो क्वेश्चन। अब तीसरा हमारा जो है वो है काव्य सौंदर्य। देखिए, किसी भी काव्य का सौंदर्य का आधार होता है भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष में जो आती है आध्यात्मिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखा जाता है, यानी भावनात्मक दृष्टिकोण को प्रमुखता दी जाती है, जिसमें प्रेम, सौंदर्य, प्रकृति, रस, जितनी भी भावनात्मक संवेदना है या उसमें ईश्वर के प्रति आराधना, संवेदना, विरह, ये सभी भाव पक्ष के ही अभिनंग है। कला पक्ष में भाषा, शैली, छंद, अलंकार, मुहावरे, लोकोक्तियां और जितने भी कलात्मक दृष्टिकोण को काव्य के रूप में प्रदान करने वाले जो बिंदु हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आज हमारा जो मूल उद्देश्य है, जो हमारा जो अगला क्वेश्चन है तीसरा, बिशन देव रासो काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए, उसके संदर्भ में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे इस कवि, एक सामान्य कवि का एक परिचय देंगे और कवि के परिचय के पश्चात हम इसके बाद में इसके संपूर्ण क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कवि परिचय। तो हम सबसे पहले लिखते हैं हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य में रासो काव्य परंपरा को नया रूप प्रदान करने वाला है, नया रूप प्रदान करने वाले, यानी इस साहित्य में रासो काव्य परंपरा को नया रूप प्रदान करने वाले भाषा के पारखी आश्रय दाता के यश का बखान करने वाले बारहमासा को काव्य में प्रथम स्थान, बारहमासा को काव्य में प्रथम स्थान देने वाले पाली कल्पना के चितेरे, ये कवि के लिए है, कल्पना के चितेरे, सौंदर्य के पारखी
प्रेम का अनूठा रूप, प्रेम का अनूठा रूप प्रदर्शित करने वाले शब्द शिल्पी युद्ध का सजीव वर्णन करने वाले विवाह संस्कार को विवाह संस्कार का बखान करने वाले रासों काव्य के रचयिता रासो काव्य के रचयिता नरपति नालह माने जाते हैं अब ये हम कह सकते हैं। तो इस तरह से ये कवि के लिया गया और वो कवि है नरपति नालह। तो हिंदी साहित्य में रासो काव्य परंपरा को नया रूप प्रदान करने वाले भाषा के पारखी आश्रयदाता के यश का बखान करने वाले बारह मासा को काव्य में प्रथम स्थान देने वाले कल्पना के चितेरे सौंदर्य के पारखी प्रेम का अनूठा रूप प्रदर्शित करने वाले शब्द शिल्पी युद्ध का सजीव वर्णन करने वाले विवाह संस्कार का बखान करने वाले यानी हम कह सकते बिसल देव रासो काव्य के रचयिता, यानी यहां बिसल देव काव्य आ सकता है, बिसल देव रासो काव्य के विचेता, ये हम लिख सकते बिसल देव रासो काव्य के रचयिता नरपति नालह माने जाते हैं, ये हमने लिख लिया। एक लिखने का अपना एक तरीका है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर नहीं आकर के सबसे पहले नरपति नालह के बारे में एक सामान्य परिचय देंगे, उसके बाद में अब हम आते हैं विषय वस्तु के संदर्भ में। अब आता है हमारा काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य इसमें क्या लिखेंगे, काव्य सौंदर्य कहते हैं किसको है, यानी किसी भी काव्य का मूल्यांकन भाव पक्ष एवं कला पक्ष के आधार पर किया जाता है। हम कह सकते हैं किसी भी काव्य का मूल्यांकन भाव पक्ष और कला पक्ष के आधार पर किया जाता है। भाव पक्ष में हृदय की गूढ़ संवेदना होती है जिसमें प्रेम सौंदर्य रस विरह जिसमें प्रकृति यानी प्रेम सौंदर्य
रस विरह प्रकृति प्रकृति वंदना यानी प्रवरात वंदना आदि भाव पक्ष के अव्यव भाव पक्ष के अव्यव माने गए हैं माने गए हैं। कला पक्ष में भाषा शैली छंद अलंकार काव्य गुण शब्द शक्ति मुहावरे लोकोक्तियां एवं लोकोक्तियां मुहावरे एवं लोकोक्तियां ये सभी कला पक्ष को सफलता प्रदान करते हैं। इन दोनों काव्य पक्षों के आधार पर बिसल देव वासु के काव्य सौंदर्य का मूल्यांकन किया जा सकता है। यानी किसी भी काव्य का मूल्यांकन भाव पक्ष और कला पक्ष के आधार पर किया जाता है। भाव पक्ष में हृदय की गूढ़ संवेदना होती है जिसमें प्रेम सौंदर्य रस विरह प्रकृति वंदना आदि भाव पक्ष के अवयव माने गए हैं। कला पक्ष में भाषा शैली छंद अलंकार काव्य गुण शब्द शक्ति मुहावरे एवं लोकोक्तियां ये सभी कला पक्ष की को सफलता प्रदान करते हैं। इन काव्य पक्षों के आधार पर बिसल देव रासो की काव्य सौंदर्य का मूल्यांकन किया जा सकता है। तो अब हमारा आता है काव्य सौंदर्य में भाव सौंदर्य जिसमें जो पहला बिंदु आएगा वो है बिसल देव रासों में युद्ध का सजीव वर्णन, क्योंकि युद्ध ही एक विकल्प होता है तो बिसल देव रासों में भी युद्ध का वर्णन मिलता। अपने जितने भी शत्रु थे उन शत्रुओं से उन्होंने मुकाबला किया था जिसे विग्रह राज चतुर्थ के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद गोरी वगैरह इन सब से उन्होंने युद्ध किया था। बिसल देव रासो का युद्ध का सजीव वर्णन नरपति नालय कवि ने बिसल देव रासो काव्य में
नरपति नालय कवि ने बिसल देंगासो काव्य में केवल केवल विरह का ही वर्णन नहीं किया है, अपितु उस समय होने वाले प्रत्यक्ष युद्ध का वर्णन कवि ने किया है इतिहास में बिसल देव का उपनाम विग्रह राज चतुर्थ माने जाते हैं। बिसलदेव का अपना विग्रह राज चतुर्थ माने जाते हैं, जो काफी युद्धों में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हुए शत्रु को पराजित किया है। बिसलदेव के सामने बड़े राजा भयभीत रहते थे। यानी कि हम अजमेर पर जब संकट आया है अजमेर पर जब संकट आया है तब तब विग्रह राज ने इसका जवाब तलवार से दिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने कहीं पर भी, यानी नरपति नारायण ने ये नहीं कहा है कि वो युद्ध प्रिय नहीं थे, युद्धों उन्होंने जीता है, बड़े बड़े राजा उनसे भयभीत रहते थे, अजमेर का शासक थे वो, अजमेर पर जब संकट आया है तब तक विग्रह राज ने इसका जवाब तलवार से दिया है। विग्रह राज का लोहा सब मानते हैं, इसलिए उनके राज्य की सीमा पर आने का किसी का साहस नहीं है। यानी कि वो कोई युद्ध लड़ सके, मुकाबला कर सके, इसलिए हम कहते हैं नरपति नालय कवि ने बिसल देवरासो काव्य में केवल विरह का ही वर्णन नहीं किया है,
अपितु उस समय होने वाले प्रत्यक्ष युद्ध का भी कवि ने वर्णन युद्ध का वर्णन कवि ने किया है। प्रत्यक्ष युद्ध का वर्णन कवि ने किया है। इतिहास में बिसल देव का उपनाम विग्रहराज चतुर्थ माने जाते हैं, जो काफी युद्धों में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हुए शत्रु को पराजित किया है। बिसल देव के सामने बड़े बड़े राजा भयभीत रहते थे। अजमेर पर जब जब संकट आया है, तब तब विग्रहराज ने इसका जवाब तलवार से दिया है। विग्रहराज का लोहा सब मानते हैं, इसलिए उनके राज्य की सीमा पर आने का किसी का साहस नहीं है, यानी वो इतने बलशाली थे। रासो काव्य में युद्ध का वर्णन मिलता है। इसे नकारा नहीं जा सकता, नकारा नहीं जा सकता है, इसे नकारा नहीं जा सकता है, मना नहीं कर सकते। कवियों ने आश्रयदाता दाता की शौर्य युद्ध कुशल युद्ध कुशलता रणक्षेत्र में प्रदर्शित वीरता का वर्णन देखने को मिलता है कि हम कह सकते हैं। तो इस तरह से ये वर्णन देखा जा सकता है। अब आता हमारा दूसरा जो पक्ष होगा, यानी कि वो है रासों में देवी देवताओं की स्तुति। ये भी भाव पक्ष है। हृदय की गहराई में कहीं ना कहीं संवेदना ईश्वर के प्रति भी ईश्वरवादी दृष्टिकोण को वैसे बहुत कम मिलता है कि रासो काव्य में ईश्वरीय दृष्टिकोण, लेकिन इस काव्य में मिलता है, क्योंकि हमारे पाठ्य पुस्तक में भी इस चीज को शामिल किया गया है कि किस तरह से वो गणेश जी से वरदान मांगते हैं, माता शारदा से, वीणा की देवी से, सभी प्रकार के स्वस्थ और की कामना करते हैं, जीवन में मंगल की कामना हो जाते हैं। तो रासो काव्य में देवी देवताओं की स्तुति। नरपति नालय कवि ने काव्य में विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति को प्रस्तुत किया है। नालय ने गणपति या लंबोदर से करबद्ध प्रार्थना की है। गणपति एवं लंबोदर से करबद्ध यानी हाथ जोड़ करके प्रार्थना की है, तथा हंसवाहिनी से
यह वरदान मांगा है, यह वरदान मांगा है कि वे किसी वे किसी को बुरा बोल न बोले न बोले। यानी कि ये माँ शारदा है जो वीणा की देवी, वाणी की देवी मानी गई है, उनसे प्रार्थना की गई है कि हंसवाहिनी से ये वरदान मांगा है कि वे किसी को बुरा बुरा बोलने बोले। ये भी वरदान मांगा है मधुर वाणी की शोभा सदैव बनी रहे। इसलिए शारदा मां से विद्यारूपी धन को प्राप्त करने का आग्रह किया है। यानी कि शारदा मां से भी ये आग्रह किया है और ये कहा है कि सदैव उनकी कृपा दृष्टि उन पर बनी रहे, सदैव पढ़ती रहे। राशो काव्य में देवी देवताओं को नरपति नालय कवि ने काव्य में विभिन्न देवी देवताओं को स्तुति प्रस्तुत किया है। नालय ने गणपति या लंबोदर से करबद्ध प्रार्थना की है और हंस वाहिनी से ये वरदान मांगा है कि वे किसी को बुरा बोल न बोले। यानी स्वयं के लिए मधुर वाणी की शोभा सदैव बनी रहे, इसलिए माँ शारदा से भी विद्या रूपी धन को प्राप्त करने का आग्रह किया है। तो इस तरह से ये बताया गया है। तो इसमें उदाहरण देखिए, एक छोटा सा उदाहरण है। हंस वाहिनी देवी देवी हंस वाहिनी विभिन्न देवी देवताओं से उन्होंने हंस वाहिनी देवी करी धरई वीणा कोकंठ कथु। यानी ये भी कहते हैं कि उकंठ कथु यानी किसी से बोलू कुलहीन। तो टूट वर प्रामजई पर वर प्रामजई यानी प्रदान करें। तो इस तरह से ये दो पॉइंट हमारे मुख्य बिंदुओं के अंतर्गत आते हैं। एक तो युद्धों का संजीव वर्णन, दूसरा आता है राष्ट्र काव्य में देवी देवताओं की स्तुति जिनको इसमें प्रस्तुत किया गया है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक में भी शामिल है। देवी हंसवाहिनी से, देवी शारदा से, भगवान गणेश जी से, सबसे इसी प्रकार की वंदना की स्तुति की गई है, प्रार्थना की गई है।
तो ये हमारे दो बिंदु हैं। पहले बिंदु में विषम देवी राशों का युद्ध का संजीव वर्णन किया गया है, तो दूसरे में राशों में देवी देवताओं की स्तुति भी कवि नालय ने की गई है, जो भावनात्मक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है। अब हमारे अगला पॉइंट है, वह है राजनीति के सौंदर्य का वर्णन, यानी राजनीति का जो है नायिका, इसका सुंदरता का वर्णन कवि नालय ने किस रूप में किया है, इसको हम पढ़ेंगे। नरपति नालय ने राजमति को किस रूप में देखा है या किस रूप में, क्योंकि आदि काल से ही सौंदर्य का चित्रण काव्य की मूल विषय वस्तु रही है, इसलिए इसे नकारा नहीं जा सकता और वो भावनात्मक पक्ष में ही आती है, इसलिए हम इस भावनात्मक पक्ष पे विचार करेंगे। तो अब हमारा तीसरा बिंदु आता है, वह है तीसरा राजनीति के सौंदर्य का चित्रण, ये भी रास उस काव्य में देखने को मिलता है, विसल देव रासो काव्य में। अगर हम बात करें सौंदर्य भी मन का विषय, जो मन को अच्छा लगे वो सब सुंदर है, इसलिए दृष्टिकोण मन पे आता है, इसलिए काव्य सौंदर्य, सौंदर्य का जो आंखों को अच्छा लगे, जो मन को अच्छा लगे वो सौंदर्य है। तो राजमति के सौंदर्य को विसल देव रासो, विसल देव ने उसे देखा था तो देख के वो पूर्ण प्रभावित हुए थे, जब विवाह की चर्चा हुई तो उस विवाह को भी सहज रूप से वो स्वीकार कर लेते हैं, तो ये कारण है सौंदर्य। नरपति नालय कवि ने राजमति जो धार प्रदेश के प्रमार राजा भोज की पुत्री का सौंदर्य जग जाहिर था, यानी सारा संसार उसके बारे में जानता था। विग्रहराज भी राजमती के सौंदर्य को देखकर प्रभावित हो गए थे। वे राजमती से विवाह कर राजमती से विवाह कर राजमती से विवाह कर सौंदर्य पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे। सौंदर्य पर राजमती से विवाह कर सौंदर्य पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे। तो हम ये कह सकते सौंदर्य को पकड़कर सौंदर्य पर अधिकार यानी सौंदर्य पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे। राजमती का
सुंदर रूप दर्शनीय है, दर्शनीय है। विवाह के अवसर पर जब वह सजती सवरती है, सजती सवरती है तो उसका नक्षिक सौंदर्य, नक्षिक सौंदर्य देखने योग्य है, देखने योग्य है। जब समझती समझती है तो उसका नक्षिक सौंदर्य देखने योग्य है। राजमती की सुंदरता ने विग्रहराज के हृदय पर, राजमती की सुंदरता ने विग्रहराज के हृदय पर शासन जमा लिया था, शासन जमा लिया था, जिसका परिणाम विवाह रहा, यानी उससे शादी कर ली सौंदर्य की मलिका। तो इस तरह से नरपति नालय ने राजमती जो धार प्रदेश की प्रमार राजा भुज की पुत्री के सौंदर्य की पुत्री का सौंदर्य जग जाहिर था। विग्रह राज भी राजमती के सौंदर्य को देख प्रभावित हो गए थे। वे राजमती से विवाह कर सौंदर्य पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे। राजमती का सौंदर्य रूप दर्शनीय है। विवाह के अवसर पर जब वह राजमती सस्ती सवरती है तो उसका नक्षिक सौंदर्य देखने योग्य है। राजमती की सुंदरता ने विग्रह राज के हृदय पर शासन जमा देता, जिसका परिणाम विवाह रहा। तो किस तरह से वह राजमती अपने, अब इसका उदाहरण हम इस तरह से लिख सकते हैं, मिली सहेली की जई बात अगर चंदन सु छटी जई जात उरुढ़ा ले जो आकरा। तो इस तरह से है भाषा जो है वो राजस्थानी है। मिली सहेली की जई बात अगर चंदन सु छटी जात उड़ा ले जो आकरा। तो इस तरह से इतनी सुंदर थी कि अगर चंदन की उसके शरीर से गंध आ रही थी, सुगंध आ रही थी, महक रही थी, बहुत ही सुंदर वो। इस प्रकार राजमती का सौंदर्य अप्सरा के समान था, जिसका वर्णन कवि नरपति नालय ने किया है। तो इस तरह से ये नरपति नालय ने उसका वर्णन किया। तो इस तरह से ये राजनीति के सौंदर्य का हमारे तीन मुख्य बिंदु हो चुके हैं। बाकी अगली
जो अगला हमारा चौथा बिंदु होगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे।